बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं MSJ स्टेट से सलीम जावेद बात कर रहा हूँ। आज हम आपको एक यूनिक घर दिखाने जा रहे हैं जो कि ओवरसीज़ 3 ब्लॉक में है, बैरिया फेज़ 8 रावलपिंडी में, जिसका जो टेबल टॉप के ऊपर है और इसका व्यू ओवरऑल है, बहुत व्यू है। और टेबल टॉप है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी राइट साइड पे आप देखें तो ये आपको फेज 7 नज़र आ रहा है, सामने आपको बिजनेस वे नज़र आ रहा है, इसके साथ ही आपको डिफेंस विलाज नज़र आ रहे हैं। और ये हमारा घर है, जो टोटल घर जो ये बिल्डिंग बनी हुई है ये 3 कनाल के ऊपर बनी हुई है, 3 कनाल्स के ऊपर। इसके 2 पोर्शन हैं और इसमें 12 कमरे हैं, 12 कमरे के साथ, और बाकी सारे लवाजमात इसके साथ हैं, जिसमें ड्राइंग डाइनिंग है, किचन है, लाउंज है, लॉबी है, ओवरव्यू लॉबी है और एक लंबा हॉल है। ये चीज़ें इसके साथ एडिशनल हैं। 12 इसके रूम्स हैं, 2 इसके कंप्लीट पोर्शन हैं। तो आगे मैं आपको घर दिखाता हूँ। ये टोटल जो बिल्डिंग बनी हुई है ये नाज़रीन 3 कनाल के ऊपर बनी हुई है, जिसके 2 पोर्शन हैं, 12 इसके लिविंग रूम हैं, 2 कंप्लीट पोर्शन हैं। और इसके मैं पीछे आपको व्यू के ऊपर लेके जाता हूँ। ये बिल्डिंग जो तैयार हुई हुई है ये तकरीबन 80% काम हुआ हुआ है, आपके सामने है। ये इसका जो जब जिसमें हम दाखिल हो रहे हैं ये इसका पार्किंग लाउंज है, जो ऐसे करके ऊपर से टर्न करके आएगा। और ये इसकी एंट्रेंस लॉबी है, एक पोर्शन इसके राइट साइड पे है और एक पोर्शन इसके लेफ्ट साइड पे, एक पोर्शन इसके लेफ्ट साइड पे है और ये एंट्रेंस लॉबी है मेन, और एक पोर्शन नाज़रीन इसके राइट साइड पे। अगर हम इसके अंदर आ जाएं तो एंट्रेंस के साथ ही ये इसका लाउंज है, मेन लाउंज है, और ये जो सामने बना हुआ है यहाँ पे डिवाइडेड है, ये इसका एक स्टैंडिंग ओपन किचन है और साथ इसके डाइनिंग हॉल है छोटा। इसके साथ आप आगे बढ़ते हैं तो एक इसके लेफ्ट साइड पे ये एक रूम है, कमरा। इसके नीचे अगर आप मैं दिखा सकूं तो इसके नीचे जाके 3 कमरे हैं जो बैक पे ओपन है, राइट पे ये बेसमेंट बनती है। अगर हम सामने आ जाते हैं तो ये इसका ड्राइंग और डाइनिंग है, ड्राइंग रूम है, सॉरी डाइनिंग तो पीछे हम बता चुके हैं, ये इसका ड्राइंग है, जिसके सामने ये ग्लास लगेगा जो अपनी मर्जी से आप लगा सकते हैं, और सामने इसका व्यू ओपन है। ये वाटर टैंक है जो सामने बना हुआ है। अगर मैं इसमें जो वायरिंग की गई है, इसमें हमने जो सर्दियों और गर्मियों वाला सिस्टम है वो पूरे का पूरा वायरिंग में दिया हुआ है। इसमें गर्मियों के लिए तमाम वायरिंग, एसीज की सारी वायरिंग बीच में की गई है, और जो सर्दियों के लिए है हीटिंग सिस्टम की वायरिंग पूरी की गई है, वो जो सामने लगी हुई है। अगर मैं दिखा सकूं तो ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, आ जाएं एक पोर्शन में मुकम्मल आपको पूरा ना दिखा सकता हूँ। ये सीढ़ियाँ इसकी ऊपर जा रही हैं, ये मैं एक पोर्शन पूरा दिखा रहा हूँ, दूसरा पोर्शन इसके साथ है वो सेम बना हुआ है। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, जिसमें ये इसका ड्राइंग रूम है, सामने इसकी ओपन लॉबी है, ये ओपन व्यू है, अगर आप देख सकें तो ओपन व्यू है इसका। ये इसका ड्राइंग रूम है, साथ इसके एक रूम है, कमरा है, और इसके साथ ये दूसरा कमरा है, ये वॉशरूम है, और एक इसका कमरा ये है जिसका व्यू अगर मैं नाज़रीन को दिखा सकूं तो ये इसका ओपन व्यू है, जो कि बहुत बड़ा व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है। पूरा फेज 8 नजर आता है और DHA के ये सामने डिफेंस मिलाज बने हुए हैं, ये पूरा व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू है। सेम एज दूसरे कमरे में जाके 2 कमरे
इस पोर्शन को मिलते हैं, दो कमरे उस पोर्शन को इस साइड पे मिलते हैं और दो कमरे उस साइड पे मिलते हैं। इसके ऊपर अगर मैं नाजरीन आपको दिखा सकूं, ये नाजरीन हीटिंग सिस्टम की पूरी वायरिंग जो है वो इसमें हुई हुई है। अगर मैं ऊपर आ सकूं तो ये है नाजरीन, ये एक जो बनाया गया है, ये ऐसा टावर बनाया गया है जिसमें आप बैठ के व्यू कर सकते हैं। सामने अगर आप देखते हैं तो ये पूरा व्यू है और अगर आप पीछे देखते हैं तो वही फेज का पूरा व्यू है जो कि नजर आ रहा है। ये नाजरीन पोर्शन की छत है जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है और हमने इसको गार्डन बनाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पे पौधे लगा के गमले रख के तो बैठने की जगह बनाई जा सकती है। इससे नीचे आ जाए तो ये एक पोर्शन कंप्लीट है, इसके अंदर 6 रूम हैं और दूसरे पोर्शन के ऊपर 6 कमरे हैं। उसके साथ अटैच लॉबीज हैं, फिर नाजरीन इसके साथ अटैच लॉबीज के साथ ड्राइंग डाइनिंग और किचन अलग से। अभी मैं इसके साथ, इस बिल्डिंग के साथ 2 कनाल का लॉन है जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, जो इस बिल्डिंग की बैक के ऊपर है। नाज़रीन ये ओपन व्यू है जैसे दोनों पोर्शन की एंट्री है, अगर मैं दिखा सकूं तो इसमें हम नीचे जाते हैं। ये इसका पीछे लॉन है 2 कनाल, ये 3 कनाल के ऊपर बिल्डिंग है और इसके साथ ये 2 कनाल का अलग से लॉन है। ये इसकी बैक के ऊपर है जो इस बिल्डिंग का लॉन है, जो हम ये टोटल 5 कनाल के ऊपर है। 3 कनाल की बिल्डिंग है, 2 कनाल का लॉन है जिसमें हमने 2 रिटेनिंग वॉल्व बनाई हैं। अगर मैं नाजरीन को दिखा सकूं तो प्लीज आप आ जाएं। ये इसका लॉन है, बिल्डिंग यहां पे कंप्लीट है। टोटल नाजरीन अगर आप देखें तो हमने टोटल आरसीसी वॉल जो है बैरिया टाउन से मंजूर शुदा नक्शे के मुताबिक टोटल आरसीसी और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये बैरिया टाउन से प्रॉपर मंजूर करके तो इसके अंदर टाइलिंग करके प्रॉपर बनाया हुआ है, जिसकी आप मजबूती जो है आप खुद भी देख सकते हैं और हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं हर तरह से, टेक्निकली भी और इंजीनियरिंग साइड के ऊपर भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये 2 कनाल का लॉन है नाज़रीन, इसके लिए 2 रिटेनिंग वॉल्व हमने खुद बनाई है और जिसकी बेस जो है उस रिटेनिंग वॉल्व की बेस 15-15 फुट अंदर जाके यहाँ पे इसकी बेस है। यानी हर रिटेनिंग वॉल को हम अंदर बेस से लेकर आए हैं जो कि प्रॉपर इंजीनियर्ड है, ये अपनी तरफ से नहीं बनाई गई। इसकी आरसीसी वॉल है और ये इसकी बेस बकायदा तौर पर इंजीनियर्ड है और जिसको पाइलिंग करके मजबूत किया गया है इसकी बेस को। अगर मैं दिखा सकूँ नाज़रीन, एक रिटेनिंग वॉल तो ये है जहाँ मैं खड़ा हूँ और दूसरी रिटेनिंग वॉल आप आगे देख रहे हैं जो हमने खुद बनाई है और उसके जो पाउंड हैं उस रिटेनिंग वॉल से इसके साथ आगे मिले जुड़े हुए हैं। और ये जो नीचे वाला एरिया है ये आपके लान के लिए है, बाग के लिए है, सब्जी के लिए है। ये हमारा अपना एरिया है जो कि पेड है, ये एरिया हमारा पेड है, शामिल है हमारे पास जो कि हमने ये जिस 2 कनाल में शामिल है। ये वाला एरिया लॉन जो है इस मकान और इस घर के साथ है 3 कनाल के ऊपर। ये नाज़रीन पीछे से अगर मैं दिखा सकूं, नाज़रीन ये देखें इसकी बिल्डिंग का स्टाइल और ये इसका बैक व्यू है। सामने वाला व्यू मैं दिखा चुका हूं, अगर आप देखते हैं तो ये इसका बैक व्यू है, ये इसका लॉन है प्रॉपर। और जो इसका सराउंडिंग एरिया है जहाँ ये बिल्डिंग ख़त्म हो जाती है वहाँ पे हमारा ये पीछे वाला लॉन ख़त्म हो जाता है। तो ये टोटल बिल्डिंग और ये वाला जो लॉन है ये 5 कनाल का है और 3 कनाल के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ इसके 12 कमरे हैं, 6 कमरे एक पोर्शन में हैं, 6 कमरे दूसरे पोर्शन में। तो ये एक डुप्लेक्स है, 3 कनाल के ऊपर प्रॉपर बिल्डिंग बनी हुई है और जो जिसके साथ बेसमेंट नहीं है, ये ओपन बेसमेंट है। अगर आप सामने से जाएँगे तो वो बेसमेंट है, अगर
इसमें फर्स्ट फ्लोर भी है, सेकंड भी है और ओपन बेसमेंट भी है। नादिन बहुत बहुत शुक्रिया।